अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इन प्रीवियस क्लास हमने इस चैप्टर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैकग्राउंड देखा था, माइग्रेशन की बात की थी, माइग्रेशन के बाद क्या सिचुएशंस थी उनकी बात की थी, और चार्टर ऑफ मदीना की बात की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे टॉपिक से, जो एक्चुअल टॉपिक है उससे रिलेट कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पर लास्ट सर्मन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जरा इम्पोर्टेंस क्या है लास्ट सर्मन की, लास्ट सर्मन इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10 ईयर्स के बाद, यानी कि 10 हिजरी में हज परफॉर्म किया था, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज है। और इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमें हज कैसे अदा करना है, उसका पूरा तरीका बताया। तो जितने भी लोग थे वहां पर वो सब साथ साथ थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए ये जो इवेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ हज से पॉइंट्स लिए गए हैं यहाँ पे, वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट, यानी कि इंसान का माल और इंसान की जान वो सब का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में, यानी अल्लाह की मर्जी है, वो जिसको जितना देना चाहे दे और किसी को ना भी दे, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू इन रिटर्न, आप किसी के लिए तकलीफ का बाइस ना बने ताकि कोई दूसरा आपके लिए तकलीफ का बाइस ना बने। यानी वही ब्रदरहुड की बात की जा रही है कि एक दूसरे का दुख समझें, एक दूसरे को तकलीफ का बाइस ना बने। नेक्स्ट है बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, मर्द और औरत दोनों के कुछ ना कुछ हुकूक हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उन हुकूक की जिम्मेदारी उठाइए। नेक्स्ट है द सुपीरियोरिटी ऑफ मैन इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और वेल्थ, यानी इंसान की बर्तरी, इंसान का बड़कपन उसकी दौलत पर या उसके पैसे पर नहीं होता बल्कि उसके किरदार पर होता है। नेक्स्ट इन द साइट ऑफ अल्लाह एवरीबडी इज इक्वल, अल्लाह ताला की नजर में सब लोग बराबर हैं। नेक्स्ट है ओनली द गुडनेस ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, और सिर्फ आपकी अच्छाई है जो कि अल्लाह ताला की नजर में आपको अच्छा बना सकती है, और कोई चीज ऐसी नहीं है। ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। द मोस्ट राइटियस इज द मोस्ट ऑनरेबल, और जो सीधे रास्ते पर होगा वही सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लास्ट सर्मन से रिलेटेड हैं, जो कि हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। ये जो लास्ट सर्मन है ये हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, तो आपके हो सकता है कि आपने मैसेज कुछ और कंसीव किया हो, तो यहाँ देखते हैं कि मैंने मैसेज क्या कंक्लूड किया है। कह रहे हैं कि लास्ट सर्मन एक तो तमाम जमाने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पास की बात है तो वो बिल्कुल ही पास की बात है, ठीक है, बल्कि वो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अगर हम उन मैसेजेस को फॉलो करें जो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट सर्मन में हमारे लिए सरमन दिया और हमें वो मैसेजेस दिए, तो शायद हमारा जो पूरा सोसाइटी है वो बहुत अच्छी हो जाए और हर जगह पर आसानी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उनको देख लेते हैं। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस मेंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट, तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस चीज की बात हुई है। कह रहे हैं कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, सबको एक दूसरे के ऊपर हक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, या सब कुछ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को और नहीं देखा है और रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।
और जो भी इंफॉर्मेशन इस पर या जो भी एजुकेशनल मटेरियल आपको शेयर किया जा रहा है, आप उसको प्रॉपरली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।